अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं क्रिक गिल चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले सेकेंड टी ट्वेंटी मैच के बारे में। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे टी ट्वेंटी मैच में बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मैच के मैन ऑफ द मैच फ़खर जमान करार पाए, जिन्होंने नाकाबले शिकस्त बारी खेली और पाकिस्तान को ये मैच बआसानी से जितवा दिया। इस मैच के जीतने के बाद पाकिस्तान को 3 मैचेस में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। और अगर आप पाकिस्तान की जीत से खुश हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आए बात करें कि शाहीन अफरीदी को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ गई। जैसा कि हमने PSL में भी काफ़ी बार देखा है कि शाहीन अफरीदी अग्रेसिव गेम करते हैं, और आज भी शाहीन अफरीदी की तरफ से यही चीज़ देखने को मिली। हुआ कुछ यूँ कि जब शाहीन अफरीदी ने अफीफ हुसैन को बॉल डाली तो बॉल उनके बैट को लगकर वापस शाहीन अफरीदी की तरफ आई। अफीफ हुसैन क्रीज से बाहर खड़े थे तो शाहीन अफरीदी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनकी तरफ थ्रो दे मारी, जो कि सीधी जाके अफीफ हुसैन को लगी, मगर शुक्र ये कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचा। और फिर हुआ कुछ यूँ कि शाहीन अफरीदी के फैंस इन पर काफ़ी आग बगोला होने लगे, मगर शाहीन शाह अफरीदी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। मैच के बाद तमाम खिलाड़ी आपस में हैंडशेक कर रहे थे तो वो खुद चलकर अफीफ हुसैन के पास गए और उन्होंने माफ़ी मांगी और दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।